ऐसे यार घर तोड़वाने का काम ना खुद करती हैं और बदनाम बहुओं को करती हैं। पहले वो अपने बेटों में बहुत फर्क करती हैं यार, उसके बाद वो अपनी बहुओं में बहुत फर्क करती हैं, और वो यहाँ पर भी नहीं रुकती। उसके बाद वो उनके बच्चों में यानी अपने पोते पोतियों में भी बहुत फर्क करती हैं यार। एक पोते पोतियों को इतना पूछेंगी और एक को बिल्कुल भी नहीं पूछेंगी, एक बेटे को इतना प्यार देंगी और एक को पूछेंगी भी नहीं, और एक बहू को तो सिर पे बिठा लेंगी और एक को तो भैया सीधा नीचे ही गिरा देंगी। और उसके बाद फिर बोला जाता है कि भाई भाई की बनती नहीं, देरानी जेठानी आपस में बात नहीं करते यार, और नाम आ जाता है बहुओं के ऊपर यार। पर कहीं सासे खुद अपने बच्चों में फर्क करती हैं, भेदभाव करती हैं, और उसके बाद वो घर खत्म हो जाता है। वो भाई भाई कभी एक नहीं होते, देरानी जठानी कभी एक नहीं होते, ना ही उनके बच्चे कभी एक होते हैं। कांग्रेचुलेशंस कुछ इन लॉस को जिन्होंने अपनी बहू का वो जो मेंटल लेवल का बर्दाश्त था ना वो सारा खत्म कर दिया। अब उनकी बहू उनको बदतमीजी से जवाब दे रही है, अब उसको फर्क पड़ना बंद हो गया है, ठीक है, अब वो आपकी आंखों में आंखें डाल के आपके मुंह के सामने, ठीक है, वो बड़े छोटे का लिहाज भूल गया, अगर वो सीधा डायरेक्ट अगर आपके मुंह पे जवाब दे के जा, ये तो कांग्रेचुलेशंस यार। आपने जो वो लड़की सबर का जो उसका बांध था ना, आपने वो तोड़ दिया, ठीक है, आपने उसको उस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया कि जहां पे वो कहती है जिसने जो सोचना है सोचो यार, जिसको जो करना है करो, ठीक है, क्योंकि कोई लड़की सोच कर नहीं आती यार कि उसको ऐसी बदतमीजियां करनी है, ठीक है, आंखों में आंखें डाल के अपने से बड़ों से बदतमीजी करनी है। कहीं इन लॉज, ठीक है, सारी हदें पार कर देते हैं यार, सारी हदें, ठीक है, जब पानी यहां से ऊपर हो जाता है ना तब वो लड़की बदतमीज बन जाती है। मुबारक हो, आप जीत गए इस मामले में। नहीं, मैं कभी भी ना यार माँ बाप के लाडले बेटे थे शादी मत करना, क्योंकि ये इंसान शादी तो जरूर कर लेता है पर ये बड़ा कभी नहीं होता, ठीक है, इसकी जिंदगी ना हर टाइम अपने माँ बाप के आसपास ही घूमती रहती है। इसके माँ बाप इसकी बीवी को कितनी गलत गलत बातें क्यों ना बोले, 10 ताने क्यों ना मार ले, कितना परेशान क्यों ना कर ले, इनके माँ बाप इनकी बीवी के घर वालों को 10 ताने क्यों ना मार ले, बट ये इंसान बिल्कुल चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। इसको लगता है कि इसके माँ बाप बिल्कुल ठीक है और मेरी बीवी गलत है। मैं मानती हूँ आप एक आज्ञाकारी बेटे हो पर आप एक पति जीरो, जो आप दो रिश्तों को एक साथ लेके नहीं चल पाए। आपको अपनी बीवी की इज्जत करवानी नहीं आई अपने घर वालों से यार, लानत ऐसे आज्ञाकारी बेटों पर भी यार। मुझे लगता है आपको पता है ये लोग शादी भी क्यों करते हैं, कि इनको पता है कि घर में चलो जी कोई आ जाएगी, फ्री की मेड आ जाएगी, चलो जी मेरे माँ बाप का ध्यान रखेगी, बुढ़ापे का सहारा बन जाएगी यार, और जबरदस्ती उसके ऊपर चीजें थोपनी है कि तेरे को मेरे माँ बाप की इज्जत करनी है। जो फर्ज आपका है ना आप जबरदस्ती थोपते हो यार। आज्ञा जिंदगी कुछ हस्बैंड यार अपने माँ बाप की और अपने भाई बहन की पूरी इज्जत अपनी बीवी से और अपने ससुराल से करवाएंगे कि मेरे माँ बाप है, मेरे भाई बहन है, इनकी पूरी इज्जत करो भैया, इनको पूरा मान सम्मान दो। पर जब मान सम्मान जब देने की बारी आती है ना लड़की के माँ बाप को या लड़की के भाई बहनों को, तो ये तो सोचते हैं ये इनका तो जन्म से ही हकदार है भैया, तो लड़की वाले इनकी इज्जत करो ना करो इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर हाँ जब इनके माँ बाप पे आती है तो बोला जाता है मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं होती है, ठीक है, मेरे माँ है मेरे बाप है, तो वहां पर लड़की के माँ बाप नहीं है, वो बुजुर्ग नहीं है, वो इज्जत डिजर्व नहीं करते। जब आप अपनी बीवी से डंके की चोट पे अपनी माँ बाप भाई बहन की इज्जत करवाते हो तो उस लड़की के माँ बाप नहीं है, तब वहां पे बेटा बन के इज्जत क्यों नहीं करते यार। तब तो बहुत सारी कमियां निकालते हो, तेरे माँ बाप ये, तेरे भाई बहन ये। अपने भाई बहनों की गलती नहीं दिखती, अपने माँ बाप की कभी गलती नहीं दिखती। जब इज्जत करवाना जानते हो ना तो इज्जत करना भी सीखो बेटे की तरह। कुछ इन लॉस की दोगली सोच दामाद के लिए और बेटे के लिए। दामाद बहुत अच्छे हैं क्योंकि बेटी की कही हुई सारी बातें मानते हैं, दामाद बहुत अच्छे हैं क्योंकि हमें भी मान सम्मान देते हैं, माँ बाप जैसा पूछते हैं, हमारी सारी चीजें पूरी करते हैं, बिल्कुल बेटे जैसे हैं। बाबा जी ऐसा दामाद सबको दे। बट हाँ बेटे तो बुरे हैं, क्यों? क्योंकि देखो ना सारा दिन अपने इन लॉज में ही घुसे रहते हैं, उनसे बातें करते हैं, ठीक है, बहू देखो हर थोड़े दिन बाद इसको अपने मायके ले जाती है, ये हमारा तो लड़का हमारे हाथ से ही निकल गया, ये तो उनका ही हो गया। वाह यार, खुद का दामाद अगर आपको माँ बाप जैसा प्यार दे रहा है, इज्जत दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है तो वो चलता है। भगवान ऐसा दामाद सबको दे, बट फिर भगवान ऐसे बेटे सबको क्यों ना दे, वो भी तो किसी के माँ बाप है ना यार। दामाद सबको अच्छे लगते हैं, जोरू के गुलाम। और बेटे, जब एक पति शादी के बाद अपने माँ बाप को इज्जत देता है, मान सम्मान देता है, भाई को इज्जत देता है, बहन को इज्जत देता है, कुछ ना कुछ सबको ला कर देता है, सबका ध्यान रखता है, तो बोला जाता है आज्ञाकारी बेटा है।
ठीक है कि कितना अच्छा श्रवण कुमार है, देखो शादी के बाद भी ये अपने माँ बाप को भाई बहन को नहीं भूला, और अगर वही अगर पति अगर थोड़ा सा मान सम्मान प्यार अपनी बीवी बच्चों को भी दे रहा है, उनकी भी खुशियों का ध्यान रख रहा है, तो सास ससुर भाई बहनों की शक्ल ही उतर जाती है कि यार अब तो देखो बेटा बदल गया। भाई बहन कहते हैं अब तो भैया बदल गए, देखो ज्यादा भाभी को ही पूछते हैं, बच्चों को ही पूछते हैं यार। ऐसा क्यों? वो जो भाभी है और जो उनके बच्चे हैं वो भी तो आपके भाई के ही हैं, वो कोई बाहर से तो नहीं लेकर आए ना, और वो लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आपके भाई के लिए ही आई है। बट कई सास ससुर को ये लगता है कि बस ये हमारी सेवा करे, भाई बहनों को पूछता रहे, भाई बहनों को कुछ ना कुछ ला कर देता रहे, ना बीवी को पूछे, ना बच्चों को, ना उनके मायके वालों को। यहाँ सोच बदलो। ये बात ना कुछ सासों के लिए और कुछ ननंदों के लिए, जो हर बार यही चीज बोलती है कि हमारे जैसी ननंद या हमारे जैसी सास तो हमारी भाभी को या बहू को मिलनी ही नहीं थी, हमने उसको इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। अगर आप लोगों ने दिया तो बराबर का मान सम्मान आपकी भाभी ने भी आपको दिया, आपकी बहू ने भी आपको दिया, ठीक है, उन्होंने भी आपको इज्जत दी, आपको पूछा, तभी आपने दिया, ठीक है, तभी वो एक ब्रिज बना, बराबर का प्यार देने का रिश्ता, गिव एंड टेक, समझते हो ना। यही एक तरफा रिश्ता तो कहीं पर भी नहीं बनता यार, क्योंकि कहीं घरों में सासें ननंदे सिर्फ अपना बताती है कि हम अपनी भाभी को ऐसे रखते हैं, हम अपनी बहू को ऐसे पूछते हैं, कभी ये नहीं बोलती कि हमारी भाभी हमें कितना प्यार देती है, हमारी भाभी हमें कितना मान सम्मान देती है। तो रिश्ता कभी भी एक तरफा नहीं निपटता, अगर आपने प्यार सम्मान दिया तो आपकी भाभी ने भी आपकी बहू ने भी आपको उतना ही प्यार सम्मान और मान दिया। कहीं बहनें ना यार बहुत लालची होती है, सब बहनों की बात नहीं करूंगी, बट कहीं बहनों को यार अपने भाई भाभी और उनके बच्चों से कोई मोह माया नहीं होता, कोई प्यार नहीं होता, उनको सिर्फ ये होता है कि मायके जा रही हूँ तो भाई भाभी क्या देकर भेजेंगे, मेरे घर आ रहे हैं तो वो क्या लेकर आएंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उनका भाई कितनी प्रॉब्लम में है, कैसे करके दे रहा है, जी नहीं कोई लेना देना नहीं होता, उनको सिर्फ अपने आप से मतलब होता है कि ये मुझे क्या देकर जाएगा। वैसे वो अपने भाई के सुख दुख में कहीं पर खड़ी नहीं होती। ये बात ना मैं कुछ सासू माओ को बोलना चाहूंगी कि अपने बेटे और बहू की बुराई ना कृपया करके अपने रिश्तेदारों में, अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्तों यारों में मत करो, ठीक है, क्योंकि बहू बेटे आपके ही है। जब आप बिस्तर पकड़ोगे, जब आप बीमार होगे ना, तो सेवा आपकी आपके बहू और बेटे ने ही करनी है। आप जिन जिन को जाके आप अपने बेटे और बहू की बुराइयां कर रहे हो ना, उनमें से किसी ने भी आके आपको नहीं पूछना, सबने आग में घी डालने का काम करना है, ये बात याद रखना। घर जुड़वाने का काम कोई नहीं करेगा, घर तोड़वाने का काम सारे करते हैं। तो अगर आपके मन में अपनी बहू को लेके, बेटे को लेके कुछ भी है ना, तो आप अपने बहू और बेटे से जाके बात करो, ना कि रिश्तेदारों में बोलो कि मेरे बहू बेटे तो ऐसे हैं, मुझे पूछते नहीं। किसी ने कुछ नहीं करना, सिर्फ मजे लेके सुनना है। और जब आपके ऊपर कोई बीमारी आएगी, जब आप बेड पे आ जाओगे ना, तो इनमें से कोई भी आपके पास नहीं आने वाला, आपके काम आपके अपने ही आएंगे, आपके अपने बहू बेटे ही आएंगे। घर की बहू जब हाथ में थोड़ी देर फोन लेके बैठ जाए या थोड़ी देर आराम कर ले, तो वो सबकी आंखों में खटक जाता है कि चलो जी मैडम जी दबे को फोन पे ही लगी रहती है, ठीक है देखो जी आराम कर रही है आराम से। बट हाँ, जब वो इतनी गर्मी में सबके लिए खाना बनाए, तो वो किसी को दिखाई क्यों नहीं देता यार, कोई अप्रिशिएट तक नहीं करता, कोई खाने में क्या कमी निकाल रहा है, कोई क्या कमी निकाल रहा है। बट हाँ, जब उसके हाथ में फोन होता है या वो थोड़ी देर आराम करने जाती है, तो ये बहुत जल्दी सबको दिखाई देती है। और बहू में ना यार बहुत फर्क होता है, आपको पता है, कई सासें ना अपनी बेटी की बहुत सारी गलतियां छुपाती है, बहुत सारी चीजों पे पर्दा डालती है, चाहे वो मायके में गलतियां करें, चाहे वो ससुराल में गलतियां करें, कैसे ना कैसे करके उनके ऊपर पर्दा डाल लेती है कि उनकी बेटी के ऊपर कोई आंच ना आए। पर मुझे समझ नहीं आता, जब बहू से कोई गलती होती है तो तब क्यों नहीं आप उसको समझाते हैं, तब उसकी बात को क्यों नहीं छुपाते हैं, तब जगह जगह जाके सालों साल तक बहू की बुराई करते हो, इसने ये करा था, इसने तो ऐसा कर दिया था उस टाइम में, तो आपको एक बारी भी तरस नहीं आता यार, ठीक है, कि वो भी किसी की लड़की है यार, वो भी आपके घर में अपना सब कुछ छोड़कर आई है। जब आप अपनी बेटी की 100 गलतियां छुपाते हो, 100 गलतियां माफ करते हो, तो बहू की क्यों नहीं करते यार, उसको इतना बदनाम क्यों करते हो? और उसके बदले में आप चाहते हो कि ये हमें माँ जैसा प्यार दिया, जब बेटी जैसा प्यार नहीं दे पा रहे, तो वो कैसे आपको माँ जैसा प्यार? अजीब है ना यार, दूसरे घर की लड़की को बोलना कि मनहूस है, इसके तो पैर ही नहीं अच्छे, ये तो नैश है, ये जब से आई है इसने हमारे घर की खुशियां छीन ली है, इसका पैर ही हमारे घर के लिए अच्छा नहीं है। जो अपने घर की रौनक थी, जो अपने माँ बाप की लाडली थी, जो अपने घर की लक्ष्मी थी, वो आप लोगों के लिए मनहूस है, इसके पैर अच्छे नहीं है, ये नैश है। एक बारी
ये सोचना अगर आपकी बेटी को भी कोई अगले घर जाकर ये बोले कि मनहूस आई है, ठीक है, नैश आई है, ये जब से हमारे घर में आई है इसने हमारा घर खत्म कर दिया, सुन भी नहीं पाओगे, ठीक है, सुन भी नहीं पाओगे। तो क्यों किसी की बेटी के लिए ऐसे शब्द यूज करते हो जो अपने घर की रौनक थी यार। और एक लड़की को भी नहीं पता होता कि उसको ससुराल में जाने के बाद इतने सारे नाम मिलेंगे, मनहूस, नैश है, पैर अच्छे नहीं है, और खुद की बेटी यार।